हेलो एवरीवन वेलकम योर इन द साइंस साइंस क्लास क्लास ऑफ आई एम नेहा वर्मा टीचर टुडे अर्बोरियल एनिमल्स सो स्टूडेंट्स अर्बोरियल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने जीवन का अधिकतर समय ट्रीज पर व्यतीत करते हैं एंड उनकी ज्यादातर सभी एक्टिविटीज ट्रीज पर होती है जैसे वो वहां पर खाते हैं स्लिप करते हैं यानी सोते हैं और जैसे हम जानते हैं कि मंकी स्विंग करता है है ना जो ट्रीज होते हैं उनकी ब्रांचेस पर लटकते हैं यानी वो वहां पर प्ले भी करते हैं इन द ट्री कैनोपी, कैनोपी कहते हैं हम ट्री की छत को जैसे मान लीजिए कि ये ट्री है तो यहाँ पर इसके अलग अलग ऊपर की तरफ को एक छतरी टाइप की बन, बन जाती है जिसको हम कनौपी कहते हैं तो अल्बोरियल एनिमल्स कैनोपी में अपनी सारी एक्टिविटीज करते हैं इनके एग्जाम्पल्स हैं मंकीज मंगीज कॉलास ऑपरसम्सो गार्डन रिजर्ट एंड सम अर्बोरियल एनिमल्स इन सभी एनिमल्स की इमेजेस आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं मानी एनिमल्स है स्पेशल एडेप्टन टू तो एड दियर अर्बोरियल लाइफ स्टाइल इन एल्बोरियल एनिमल्स के बहुत से अडप्टेशन होते हैं लाइक फर्स्ट लिम्स एंड टेस यानी ऐसे अल्बोरियल एनिमल्स में पैर होते हैं और उनकी पूंछ होती है Many arboreal animals have long limbs that allow them to swing efficiently from branch to branch. आपने देखा है कि मंकी ब्रांच टू ब्रांच झूम करते हुए जाता है। ऐसा होता है क्योंकि उनके पास लिम्स होते हैं और टेल होती है यानी उनकी पूंछ होती है। Some of them have long tails which can grasp branches and act as an extra limb. यानी बहुत सारे बोरियल एनिमल्स के पास पूंछ भी होती है एक लंबी पूंछ होती है जिस, जिसके कारण वे ब्रांचेस पर अपनी अच्छी पकड़ जमा लेते हैं जो उनकी एक एक्स्ट्रा एक लिम की तरह काम करती है यहाँ पर सेकेंड एडेप्टेशन है फिट एंड क्लाउस ऐसे एनिमल्स जो कि ट्रीज पर रहते हैं तो उनके फिट या उनके क्लाउस इस तरह से होने चाहिए कि जो वहां पर उनकी ब्रांचेस पे एक मजबूत पकड़ बना सकें सो एनिमल्स लिविंग इन ट्रीज लाइक ए स्क्वायरल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग ग्रिप सो दैट डोंट फॉलो मतलब एनिमल्स जैसे कि हमने देखा है कि गिलहरी ट्रीज पर रहती है तो वहां पर रहने के लिए गिरने से बचने के लिए उनकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए स्ट्रांग ग्रिप होनी चाहिए जिसके कारण वे वहां से न गिरे दे हैव स्ट्रांग फिट एंड क्लाउज उनके उनके पैर एंड उनके पंचे काफी स्ट्रांग होते हैं दी आर फीट एंड क्लाउज बिकम एडेप्टेड फॉर साइजिंग रास्पिंग और होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स पर रेपिंग अराउंड दैम उनके फीट एंड क्लाउस वस्तुओं को पकड़ने के लिए या वहां पर ब्रांचेस को पकड़ने के लिए काफी वेल well अडेप्टेड होते हैं देयर फिंगर्स एंड शेप्ड इन सच अ that दे कैन होल्ड द ब्रांचेस firmly. उनके फिंगर्स और उनके थम इस शेप में होते हैं ताकि वो ब्रांचेस को मजबूती के साथ पकड़ सके नेक्स्ट अडेप्टन फॉर फूड हैबिट्स अपने फूड हैबिट यानी अपने खाने के लिए किस तरह से अडेप्ट करते हैं तो वी ऑलरेडी लर्न अबाउट फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल इन द प्रीवियस क्लास, टाइप ऑफ टीथ एनिमल्टेशन ड्यू टू फूड हैबिट। ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं हर्बीव एंड कार्निवर ऑमनिवर ये तीनों कैटेगरी में उनके अलग अलग तरह के टीथ होते हैं लाइक फर्स्ट द टीथ ऑफ हर्बीव आर स्ट्रॉग ब्रॉड एंड फ्लैट हर्बीवर्स के जो दांत होते हैं वो मजबूत होते हैं चौड़े होते हैं एंड फ्लैट होते हैं दे अलाउ इज़िली बाइट एंड द ग्रास जिसकी वजह से वो इजिली कट कर पाते हैं एंड जो घास होती है या पत्तिया उनको आराम से चबा लेते हैं द टीथ ऑफ कार्निवर और शार्प क्योंकि कार्निवर्स क्या होते हैं या अदर एनिमल्स के फ्लेश को खाते हैं तो इनके दांत शार्प होते हैं एंड दे अलाउ दैम टू इजिली टीयर द फ्लेश वो आराम से उनके दांत इस तरह से होते हैं कि वो आराम से अपने फ्लैश को चीर पाते हैं उनको टीयर कर पाते हैं एंड ऑमनिवर्स हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीयरिंग बाइटिंग एंड ग्रीनलिंग टीथ मतलब ओमनिवर्स के जो दांत होते हैं उनमें सभी का कॉम्बिनेशन होता है यानी उनके दांत इस तरह से होते हैं कि वो टीयर का काम भी कर सके बिट भी कर सके एंड खाने को भोजन को पीस भी सकें ठीक है बर्ड्स डू डोंट हैव स्ट्रांग एंड शार्प बिग्स यानी बर्ड्स में जैसा कि हम जानते हैं कि पक्षियों में कोई दांत नहीं होते उनमें दांतों की बजाय एक स्ट्रॉन्ग चोंच होती है बिग होती है स्नेक्स द फूड डाउन द थ्रोट स्नेक्स की पावरफुल मसल्स होती हैं और वो अपने भोजन को एज अ होल ही निगल जाते हैं अब हम बात करते हैं यहाँ पर पैरासाइट्स की पैरासाइट को हिंदी में बोलते हैं परजीवी पैरासाइट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे यानी अदर एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं सो पैरासाइट इज स्मॉल एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड मतलब पैरासाइट्स वे छोटे एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे यानी किसी अदर लिविंग एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं मॉस्क्यूटो क्या करते हैं कि वे ह्यूमन की बॉडी से ब्लड को सक करते हैं मॉस्क्यूटो पैरासाइट्स होते हैं इन ऑफ टीथ दे अ लॉन्ग शार्पाइप अपने दांतों के बजाय उनका एक लंबा स्ट्रॉन्ग पाइप होता है एक लॉन्ग शार्प पाइप होता है एंड दे स्टैब एनिमल्स विद दिस पाइप वे उस पाइप की हेल्प से एनिमल्स को डंक मारते हैं और उनका ब्लड यानी उनका खून चूसते हैं ठीक वैसे ही जैसे कि हम स्ट्रोक की हेल्प से कोल्ड ड्रिंक लेते हैं फ्लेज लीचे एंड बक्स आर ऑल्सो पैरासाइट्स मॉस्क्यूटो के अलावा लीच आपने देखा होगा जिसको हम जोंक कहते हैं ये और बक्स ये सभी पैरासाइट्स होते हैं ये भी एनिमल्स uh, की बॉडी पर रहते हुए उनका ब्लड सक करते रहते हैं एंड सम पैरासाइट हुकवॉर्म राउंड वार्म एंड लिव इन साइड द बॉडीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स ये जो पैरासाइट्स होते हैं लाइक हुक वाउंड वम ये क्या करते हैं कि ये ह्यूमन या अदर एनिमल्स की बॉडी में बॉडी के अंदर रहते हुए दे ईट द फूड आफ्टर इट हैज बीन डाइजेस्टेड बाई द एनिमल और जब एनिमल के द्वारा फूड डाइजेस्ट कर लिया जाता है तब वे इस फूड को खाते हैं एंड टू डेज लास्ट टॉपिक इज एडेपेशन फॉर प्रोटेक्टिंग डेंसल जैसे कि एनिमल्स या तो एनिमल्स को क्योंकि एनिमल्स को प्रोटेक्शन की भी जरूरत होती है उन्हें अपने लिए बचाव की जरूरत होती है ताकि शिकारियों से उनको उनको अपनी प्रोटेक्शन मिल सके तो इसके लिए उनकी बॉडी पर कुछ फिजिकल फीचर्स होते हैं जो उनको खतरे से बचाते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं जैसे फर्स्ट हॉर्न्स डायनासोर्स के सर के ऊपर एक हॉर्न होता है सिंग होता है जिसकी वजह से वो एनिमल को पुश करता है और कभी कभी धमकाने के काम भी आ जाता है हॉर्न्स आर ऑल्सो यूज बाय एनिमल्स फॉर डिफेंस हॉर्न्स का यूज से अपने आप को अपने आप को रक्षा यानी अपने आप को बचाने के लिए भी किया जाता है सेकेंड है स्केल्स सो स्टूडेंट बहुत से रेप्टाइल्स uh, ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर स्केल होता है या उनकी स्केली बॉडीज होती है तो उनकी बॉडी पर वे स्केल्स उनको ड्राई होने से बचाते हैं यानी उनको सूखने से बचाते हैं थर्ड शेल्स बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर एक हार्ड शेल होती है जैसे का हमने नाम सुना है कछुआ क्या होता है कि जब उसको कहीं से खतरा महसूस होता है तो वो अपनी शेल के अंदर चला जाता है तो उनकी जो शेल होती है वो काफी मजबूत होती है इससे अलग भी स्नेल की भी शेल होती है उनकी शेल उनको एनिमी अटैक से बचाती है उनसे प्रोटेक्ट करती है गार्डे टोटाइस से अलग गार्डन स्नेल्स क्लैम्प क्रेप्स इन सब की भी शेल होती है एंड ये अपनी पूरी बॉडी को उस शेल के अंदर ले जाते हैं सो गार्डेड एंडर हेड लेग ऑफ देयर होल बॉडी इन साइड देयर शेल नेक्स्ट है spin. Spin भी फिजिकल फीचर होता है जो एनिमल्स को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है तो स्टूडेंट बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी पर स्पिन होते हैं जैसे पॉक्यूपाइन इनकी बॉडी पर स्पिन होते हैं सो पॉक्यूपाइन हैव स्पिन ऑन द सर्फेस ऑफ देर बॉडीज द स्पिन कैन इंज्योर एनिमीज डेट कोनियर और अटैक इट मतलब वो क्या करते हैं ऐसे स्पिन यानी उनकी बॉडी पर जो कांटे होते हैं अगर कोई अदर एनिमल उन पर अटैक करने वाला होता है या कोई एनिमी जो कि उन पर अटैक करता है तो ये उनको इंज्योर कर सकते हैं उनको चोट पहुंचा सकते हैं एनिमल्स डेवलप वैरियस अडेप्टन टू प्रोटेक्ट दमसेम बीग इटन बाय अदर एनिमल्स और बहुत से एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या दूसरे एनिमल्स के द्वारा खाए जाने से बचाने के लिए अलग अलग तरह के एडेप्टन डेवलप करते हैं सो द ऑशन हैज मेनी काइंड ऑफ फिश जैसे कि हम जानते हैं कि समुद्र में अलग अलग तरह की मछलियां होती हैं। बिग फिश सच अक्स ईट द स्मॉलर फिश जो बड़ी मछलियां होती हैं, जैसे शार्क वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं। एक मछली जिसको हम पफ कहते हैं ये क्या करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बलून की तरह फूल जाती है एंड दिस मेक्स अ शार्प स्पिन्स ऑन इट्स बॉडी आउट इस तरह से जब वह बलून की तरह पूरी बॉडी को फुला लेती है तब उसकी बॉडी से स्पिन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं जिसके कारण शार्क उसको नहीं खा पाती सो so स्टूडेंट्स ये कुछ अडेप्टन थे जिसके कारण एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं सो टूडे वी कीप इट एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल कंटिन्यू फ्रॉम देयर केयर